हेलो दोस्तों, तो हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान को देख रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं हम लोग प्राचीन भारत के बारे में, इतिहास को देखा है सबसे पहले हमने, उसमें बात कर रहे थे हम लोग प्राचीन भारत के बारे में। अब इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में। ठीक है, मध्यकालीन भारत को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। याद रखिए, सिंध का शासक दाहिर था इस समय। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो याद रखिए, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। अब बात करते हैं महमूद गजनवी के बारे में। अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। अल्पतगीन का गुलाम तथा दमान सुबुक्तगीन था। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का गीन का पुत्र था। अपने पिता के काल में गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनवी 27 वर्ष की अवस्था में 957 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाहर ने महमूद गजनवी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लार की उपाधि दी थी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। याद रखिए, महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया। यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। इसमें जयपाल की पराजय हुई। महमूद गजनी 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेसुर के चक्र स्वामिन की कांस से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनवी गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण था 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण था 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। अलबरूनी फिरदौसी उतबी फरूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अब महमूद गजनी की बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया। याद रखिए, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम सेकंड ने
गौरी को बुरी तरह परास्त किया। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में। तो तराइन का प्रथम युद्ध ये 1191 ईस्वी में हुआ गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच। याद रखिए, पहले तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजयी हुआ जीता। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, ये भी गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, इसमें गौरी विजयी हुआ। ठीक है, फिर हुआ चंदावर का युद्ध। तो याद रखिए, ये हुआ था 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद के बीच, इसमें गौरी विजय हुआ। ठीक है, मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई थी। अब बात करते हैं हम लोग सल्तनत के बारे में। सल्तनत को देख लेते हैं, सल्तनत काल, गुलाम वंश को देखते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वह गौरी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक था जो गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। दिल्ली का कुबत उल इस्लाम मस्जिद, कौन सा? कुबत उल इस्लाम मस्जिद, एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनापति नायक दत्तिका खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। याद रखिए, इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी हुआ आराम शाह, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। आराम शाह की हत्या उस करके इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्कमेनिस्तान का इलवरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम था एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया था, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया लाहौर से हटाकर। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। अब यहीं बात कर लेते हैं इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया इल्तुतमिश ने। इसकी नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका और तांबा का जीतल, एकता प्रणाली चलाई किसने? इल्तुतमिश ने। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया इल्तुतमिश ने, जो तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया? इल्तुतमिश ने। तो ये सभी इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य थे। अब बात करते हैं हम लोग इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज, कौन सा? रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा।
वह एक आर्योग शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कान की छाई रही। सार तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया बेगम को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह धोगा, काबा, कुलाह, टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर-ए-अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठाया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। रजिया की शादी किसके साथ हुई? अल्तुनिया के। इसके शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 में कर दी गई। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 में बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किसने किया? बलबन ने। बलबन ने 1266 ईस्वी में ग्यासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिजदा पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लोहे एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? सम्मुद्दीन कैमूअर्स। अब बात करते हैं खिलजी वंश। ठीक है, अब खिलजी वंश को देखते हैं। खिलजी वंश रहा है 1290 से 1320 ईस्वी तक। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया इन्होंने। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में इसके उसके भतीजा तथा दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। कड़ा मानिकपुर में कर दी थी, इलाहाबाद में। ठीक है, 12 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम था अली तथा गुरशास्प। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल सेना थी। यही बात कर लेते हैं अमीर खुसरो के बारे में। तो अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो का नाम मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन।
उसका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास 1253 ईस्वी में हुआ। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तान के दरबार में रहे। इन्हें तूतीय हिंद भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो को सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। ठीक है, किस किस का? सितार और तबले का। आगे बात करते हैं हम लोग, अलाव घोड़ा दागने, सैनिकों की काहुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। कई बार पूछा जा चुका है, घोड़ा दागने और सैनिकों काहुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरुआत की? तो याद रखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा। जमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। कौन कौन से हैं? जमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीकरी का किला, सीरी का किला, हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया। सिकंदर एसानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। कौन सी? सिकंदर एसानी। अलाउद्दीन ने मलिक यकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता है। साहना ए मंडी या खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय ए अदल यहाँ वस्त्र शक्कर जड़ी बूटी मेवा दीपक का तेल अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद्धति दीवान ए रियासत यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। कौन? दीवान ए रियासत। सहना ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक था। सहना सहना ए मंडी। वरीद बरीद, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। वरीद। मुनहियान व गुप्तचर, गुप्त सूचना प्राप्त करता था। मुनहियान व गुप्तचर। आगे बात करते हैं हम लोग, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कृषि तारीखे फिरोजशाही से मिलती है। खजाइनुल फतोह अमीर खुसरो, रेला इब्न बतूता, फुतुहस लातीन ईसामी की कृति है। मूल नियंत्रण को सफल बनाने में मुहत्सिब सेंसर एवं नाजीर नापतौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे चराई कर, दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। गड़ी कर घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी।
किसे? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में, राज दरबार में स्त्रियों को वस्त्र पहनकर आ जाता था। वर्णी के अनुसार मुबारक खिलजी कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 1513 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। चलिए खिलजी वंश को देख लिया, अब बात करते हैं तुगलक वंश। 1320 से 1398, कितना, 1320 से 1398 ईस्वी तक रहा है तुगलक वंश। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 दिसंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ग्यासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। याद रखिए, ग्यासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमणों को विफल किया। ग्यासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण कराया। ग्यासुद्दीन तुगलक ने संभवतः नगरों का निर्माण करना आने वाला ग्यासुद्दीन प्रथम शासक था। ग्यासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ है। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। ग्यासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित विद्वान योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। तो याद रखिए, अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की थी, किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्राओं के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल, तांबा धातुओं के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदी के रुपये टंका के बराबर होता था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित 4 योजनाओं को देख लेते हैं क्रमशः। पहली है दुआब क्षेत्र में कर वृद्धि, ये 1326 से 1327 ईस्वी में हुई। राजधानी परिवर्तन तो 1326 से 27 में भी हुई। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 1330। खुरासन और कराचिल का अभियान, ठीक है, एक मुख्य योजनाएं थी। अब बात करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। अफीर की यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक है रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है।
इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 में सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोड़ाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का, कौन कौन से, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। तो याद रखिए, विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही, समय में ही दक्षिण भारत में की, दक्षिण में, ठीक। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार वर्णी लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिर जो फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी में हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर, खराज, लगान, खुम्स युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक बना। फिरोज तुगलक, याद रखिए, फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर, सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख थे। इसके शासनकाल में खिज्जावाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। ये भी पूछा जा चुका है कि अशोक के मेरठ और खिज्जावाद 2 स्तंभों को दिल्ली कौन लाया था, तो ये था फिरोज तुगलक, ठीक है। आगे बात करते हैं। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की। तो याद रखिए, दीवाने खैरात की स्थापना किसने की थी? सुल्तान फिरोज तुगलक ने। दीवाने खैरात किससे संबंधित है? तो ये मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक विभाग था। सल्तनत कालीन सुल्तानों में शासन काल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की। तो याद रखिए, दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना फिरोज ने की थी, फिरोज तुगलक ने, और ये दासों से संबंधित था। इन्हें सैन्य पदों को वंशागत बनाया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बरनी एवं शमसे सिराज अफीब को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोजशाही नाम से अनुवाद कराया। इसने चांदी तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए जिसे अद्धा या बिक कहा जाता था।
फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1988 में, सॉरी फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हो गई। 1388 फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरे को तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ नसरुद्दीन महमूद तुगलक। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया। तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। नसरुद्दीन के समय में ही मली कुसर सरक पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर से ने जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अब बात करते हैं सैयद वंश के बारे में। तो इसका शासनकाल रहा है सैयद वंश का 1414 से 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्ज खां। इसने सुल्तान की उपाधि ना धारण कर अपने को रियत ए आला की उपाधि से खुश रखा खिज्ज खां ने। खिज्ज खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्ज खां को मुल्तान लाहौर दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्ज खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खिज्ज खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई। खिज्ज खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन हुआ? अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्ष तक रहा, याद रखिए। फिर आया लोदी वंश। तो लोदी वंश आया 1451 से 1526 तक। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। वह 29 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्यों की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का विचलन करवाया था। बहलोल सिक्के का याद रखना। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर बुलाता पुकारता था। बहलोल लोदी अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। तो याद रखिए, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में, ठीक है। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाने गजे ए सिकंदरी का विचलन सिकंदर लोदी ने करवाया था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदर्श पर संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसमें नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इससे मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों के पीरों
तथा संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई थी। इस दिन उसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, याद रखिए 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। मौत की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। अब हम बात करते हैं सल्तनतकालीन व्यवस्था, शासन व्यवस्था की। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया होता था सुल्तान। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावशाली हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोदी वंश के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस एक खलवत कहा जाता था। मजलिस एक खास में मजलिस एक खलवत की बैठक होती थी। बार एक खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए आजम सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। अब बात करते हैं आगे हम मंत्री और उससे संबंधित विभाग। तो सबसे पहले बात करते हैं वजीर, प्रधानमंत्री। ये राजस्व विभाग का प्रमुख था। फिर बात करते हैं हम लोग मुशरिफ ए ममालिक, ये महालेखाकार का था। प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा। फिर था मजूम आदर, तो ये उधार दिए धन का हिसाब रखता था। खजीन कोषाध्यक्ष था। आरज ए ममालिक, तो याद रखिए दीवान ए अरज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी था ये। सद्द उस सुदूर, ये धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख था। काजी उल कजात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था ये। वरीद ए ममालिक, तो ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था। ठीक है, अब बात करते हैं वकील ए दर, तो ये सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवान ए खैरात, ये दान विभाग था। दीवान ए बंदगान, ये दास विभाग था। दीवान ए इश्तिहाक, ये पेंशन विभाग था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यहीं देख लेते हैं कुछ विभाग और बनाने वाला सुल्तान। तो दीवान ए मुस्त खराज, ये वित्त विभाग था, जैसा कि आपको पता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर बात करते हैं दीवान ए कोही, तो याद रखिए कृषि विभाग था ये। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। दीवान ए अरज, ये सैन्य विभाग था, ये बलबन के समय बना। दीवान ए बंदगान, ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। दीवान ए खैरात, ये फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए इतिहाक, ये फिरोज शाह तुगलक ने। तो याद रखिए दीवान ए मुस्तखराज, वित्त विभाग ये अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग बलवन। दीवान ए बंदगान, ये तुगलक फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात, फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए इश्तिहाक, फिरोज शाह तुगलक। अब आगे बात करते हम लोग, यही देख लेते हम लोग राजस्व कर व्यवस्था देख लेते हैं। तो उस ये मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। जकात,
मुसलमानों पर धार्मिक कर था, संपत्ति का 40%, और जजिया कर ये गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। खम्स की बात करें तो यह लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजानों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे, देखते हैं। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे एकता या सुवा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायाब या वली या मुक्ति द्वारा संचालित होता था। एकताओं को सिक्को जिलों में विभाजित किया जाता था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। सिक्कों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था, मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। एक शहर या 100 गांव के शासन की देखरेख अमीर ए सदा नवक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंग लीक तथा अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत हुई फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगवाए जाते थे। हाथी मुख्तार बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे, कुरान, हदीस, इजमा, कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। वे यही देख लेते हैं, 10 अश्वारोही, 1 सर एक खेल, 10 सर एक खेल, 1 सिपह सलाह, 10 सिपह सलार, 1 अमीर, 10 अमीर 1 मलिक, 10 मलिक 1 खान के बराबर होता था। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग आगे, प्रसिद्ध स्थान और प्रसिद्धि के कारण। तो सरसूती अच्छी किस्म के चावल के लिए था। ये अनहीवाड़ा ये व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में था। सतगांव ये रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था। आगरा ये नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बनारस सोने चांदी एवं जड़ी काम के लिए प्रसिद्ध था। सुल्तान सप्ताह में 2 बार ये देख चुके थे। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। पूर्णता केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। देवल सल्तनत काल के में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, सल्तनत काल को देख चुके हैं, अब बात करते हैं विजयनगर के बारे में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे।
तो याद रखिए, विजय साम्राज्य की स्थापना की, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का, इसने 1336 में की। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। हरिहर बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया, संगम, सलो, सलुब, तुलुब, अराबिडु वंश। ठीक है, अब यही संगम वंश को देख लेंगे, संगम वंश के प्रमुख शासकों को। तो हरिहर, इसने 1336 से 1500 1336 से 1356 तक किया। फिर आया बुक्का प्रथम, तो इसने 1356 से 1377 तक किया राज। फिर आया हरिहर सेकंड, तो इसने 1377 से 1404 तक किया। देवराय प्रथम, तो इसने 1404 से 1422 तक। फिर आया देवराय सेकंड, तो इसने 1422 से 1446 तक। मल्लिकार्जुन, इसने 1446 से 1465 तक। तिरुपाक्ष सेकंड, इस यह रहा 1465 से 1485 तक। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग आगे, देखते हैं। बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इटली का यात्री निकोलो कांटी, कौन? इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ देवराय द्वितीय, इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता है। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। याद रखिए, निकोलो कांटी था जो, वो आया था देवराय प्रथम के समय, और जो अब्दुल रज्जाक था वो आया था देवराय द्वितीय के समय विजयनगर। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय सेकंड ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था और उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख देवराय द्वितीय को जग बैठकर हाथियों का शिकारी भी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मा सूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को पोड़ देवराय भी कहा जाता है। सालो नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालो वंश की स्थापना की। 1485 से 1506 तक रहा है। ठीक, सालो वंश के बाद विजयनगर पर तुलुब वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलुब वंश 1505 से 1565 तक रहा। इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की। तुलुब वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की। ठीक है, फिर तुलुब वंश का महान शासक हुआ कृष्णदेव राय। वह 8 अगस्त 1509 को शासक बना। सालुक तिम्मा कृष्णदेव राय की युग मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय की भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमी गोस पायस विजयनगर आया था। कृष्ण
राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल क्लासिक युग कहा गया। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाम्यवती कल्याणम की रचना की। पांडु महात्मयम की रचना तेनाली राम रामकृष्ण ने की। नागलपुर नामक एक नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 में हो गई। कृष्णदेवराय ने आंध भोज, अभिनव भोज, आंध पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक हुआ सदाशिव। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी, ये तीनों एक ही है। राक्षसी तंगड़ी, तालीकोटा, बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ। इस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरोध बने दक्षिण राज्यों के संघ शामिल थे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। इस संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। ठीक, विजयनगर राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दुआब में, कृष्ण गोदावरी के चार में, मराठावाड़ा प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अरावीडु वंश, ये 1570 से 1672 तक रहा। ये स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को आपदस्थ कर पेनुकोंडा में स्थापित किया। अरावीडु वंश का अंतिम शासक हुआ रंगतिती। अरावीडु शासक वेंकट सेकेंड के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार था: प्रांत, मंडल, कोट्टम या वलनाडु, जिला, नाडु, मेलाग्राम 50 ग्राम का समूह था और 1 ग्राम था। विजयनगर कालीन सेनानायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भू सामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उसकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था, प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इस संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवेतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार ने पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान कर दी थी। इनका पद अनुवांशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान दी जा सकती थी। ठीक, करडिक नामक अनंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत था लगान। भू राजस्व की दर इस समय थी 1/6 भाग। विवाह कर वर एवं वधु दोनों से लिया जाता था।
विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। उम्बली, ग्राम विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। रक्त कोड़गे, युद्ध में सौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवारों को दी गई भूमि को कहा जाता था। ठीक है, रक्त कोड़गे। अब बात करते हैं विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों को देख लेते हैं ही हम लोग। तो ये हैं यात्री, ये जिस देश से आए, काल और शासक जिसके शासनकाल में आए। सबसे पहले बात करते हैं निकोलो कॉन्टी, इटली का था और ये आया है 1420 में देवराय प्रथम के काल में आया। ठीक है, फिर है हमारा अब्दुल रजाक, ये फारस का देश से आया था 1442 ईस्वी में देवराय सेकेंड के काल में। ठीक है, फिर आया नुनीज, ये पुर्तगाल था 1450 में आया, ये मल्लिका अर्जुन के शासन काल में आया। फिर है डोमिंग पायस, पुर्तगाल था ये 1515 में आए, कृष्ण देवराय के समय आए। ठीक है, फिर है बार वोसा, ये पुर्तगाल था 1515 से 16 ईस्वी कृष्ण देवराय के समय आया था ये। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। कुट्टिगी ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे, ऐसी भूमि को कुट्टिगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे उन्हें कुदी कहलाते थे। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंड नायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चिट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बढ़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा विचलित थी, मनुष्य के क्रय विक्रय को वेश वग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इसको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर की मुद्रा थी पेगोड़ा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा थी हूड। ठीक, विजयनगर की मुद्रा क्या थी? पेगोड़ा, और बहमनी राज्य की मुद्रा थी हूड। चलिए अब देखते हैं हम लोग बहमनी राज्य। विजयनगर देख चुके हैं, अब बहमनी राज्य को देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। किसने? हसन गंगू। बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी, याद रखिए। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा ये। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। इसकी राजभाषा थी मराठी। इसने अपना इस साम्राज्य को चार प्रांतों में, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बीदर में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलियों को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वैद्यशाला बनवाई थी। बात कर लेते हैं हम लोग यहीं बहमनी वंश के बारे में, कि प्रमुख शासकों के बारे में। तो सबसे पहले मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375। फिर आया अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, ये रहा है 1375 से 1378। दाऊद प्रथम, ये 1378 में। मोहम्मद शाह द्वितीय, ये 1378 से 1397। फिर आया फिरोज उद्दीन, ये रहा है 1357 से 1422। फिर आया सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, तो रहा है 1422 से 1436। अलाउद्दीन अहमद, ये रहा है सेकंड,
ये रहा है 1436 से 1458 तक। फिर रहा है सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद द्वितीय, तो ये रहा है 1463 से 1482 तक। आगे बात करते हैं हम शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नाम मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद सेकंड के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना कराई, रियाजुल इंसा नाम से। महमूद गवा के पत्तों का संग्रह किया गया। आगे बात करते हैं 1417 ईस्वी में रूसी यात्री निकीतन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर ताज उद्दीन फिरोज का शासन था। किसका? ताज उद्दीन फिरोज का शासन था। बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांत के प्रांतपति उसके विरोध विशेष से जाना चाहते थे। दौलताबाद का तरफदार था मसनद ए आली, बरार का तरफदार था मजलिस ए आली, बीदर का तरफदार था अजाम ए हुमायूं, गुलबर्गा का तरफदार था मालिक नायब। बिरजापुर गुलबर्गा तालाब में शामिल था, यह सबसे महत्वपूर्ण तालाब था। कलीम उल्लाह है बहमनी वंश का अंतिम शासक था। कौन? कलीम उल्लाह है। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। इस स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण ये है। ये राज्य हैं, ये वंश हैं, ये संस्थापक हो गए और ये बरस हो गया। तो बीजापुर, इसमें आदिल शाह, आदिल शाही ये इसके संपादक थे, वंश है याद रखिए, यूसुफ आदिल शाह, ये 1489 में। ठीक है, अहमदनगर ये निजाम शाही वंश था, मलिक अहमद 1490, बरार इमाद शाही, फतेहुल्लाह इमाद शाह 1490, गोलकुंडा कुतुब शाही कुलीत कुतुब शाह 1512, बीदर वरीद शाही अमीर अली वरीद 1526 में। ठीक है, मोहम्मद पिथम के मंत्री सैफुद्दीन गोरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया। उसे 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जो इस प्रकार हैं। वकील ए सल्तनत दिल्ली के मलिक नवाब के समान, वजील ए कुल सभी मंत्रियों के कार्य का निरीक्षण वकील को छोड़कर, अमीर ए जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष था, वजीर ए अशरफ ये विदेशी नीति एवं दरबार संबंधी कार्य निष्पादन करता था, नजीर वह अर्थ विभाग से संबंधित था, पेशवा वकील ए सल्तनत का सहायक था, कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था, सद्दे ए जहां न्याय विभाग धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष था। ये सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल तथा था, जिसे साग एक खेल कहा जाता था। यह 4 विभागों या नौबत में विभाजित था, जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। ठीक है, बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जौनपुर के बारे में। किसके? जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर खुरम
ख्वाजा जहान ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिक उस सरग पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य शासक थे मुबारक शाह 1399 से 1402, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 से 1436, महमूद शाह 1436 से 51, हुसैन शाह 1458 से 1500 तक। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर वहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। सरकी शासन के अंतर्गत विशेष इब्राहिम शाह के समय जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत की के सिराज के नाम से जाना गया। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। याद रखिए अटाला देवी की मस्जिद 1404 से 1408 में इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था, इसका निर्माण करवाया गया। अब बात करते हैं आगे देखते हैं अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 में हुसैन शाह सरकी द्वारा किया गया था। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 में किया गया। अब बात करते हैं हम लोग कश्मीर के बारे में। कश्मीर सोहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। 1349 से 1340 में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था शाह मीर, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंदकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंदकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित की। हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुद्ध सिकन कहा गया। 1420 में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। किसे? जैन उल आबदीन को। ठीक, जैन उल आबदीन फारसी संस्कृत कश्मीरी तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद कराया। 1588 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब बात करते हैं बंगाल के बारे में। बंगाल इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। ग्यासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को तीन भागों में विभाजित किया, लखनौती उत्तर बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल और सतगांव दक्षिण बंगाल। 1345 में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया। बंगाल का शासक ग्यासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 में अपनी न्याय प्रीतिया के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1453 से 1518 तक रहे। हुसैन शाह ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित की। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सतवीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। मालाधार वसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण की। इसके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नसरुद्दीन नौसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया।
अब बात करते हैं मालवा वंश, मालवा की। दिलावर खान ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र था अलप खां, होशंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धार से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में पराजित करके उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले का निर्माण होशंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली दरवाजा है। ठीक है, वाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा कराया गया। हिडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण होशंग शाह के द्वारा करवाया गया। जहाज महल का निर्माण ग्यासुद्दीन खिलजी ने मांडू में कराया था। कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। अब बात करते हैं हम लोग गुजरात के बारे में। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया। 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासकों के बारे में बात करें तो अहमद शाह 1411 से 1452 तक, महमूद शाह बेगड़ा इस 1458 से 1511 तक, बहादुर शाह 1526 से 1537 तक। अहमद शाह ने आसावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया। पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया अहमद शाह ने। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चम्मानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया। 1572 में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। फिर उसके बाद आता है मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के शासक रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र कर दिया। राणा कुम्मा 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। किसने, याद रखिए, चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना किसने की, राणा कुम्मा ने 1448 में। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सागा एवं बाबर के बीच हुआ जिसमें बाबर विजयी हुआ। 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ जिसमें अकबर विजयी हुआ। मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है, अब बात करते हैं खानदेश। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद शाह फरूकी ने नर्मदा ताप्ती नदी के बीच 1348 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सूफी आंदोलन के बारे में। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते हैं उन्हें मुरीद कहते हैं। ठीक है, सूफी जिन आश्रमों में निवास करते हैं उन्हें खान का है या मठ कहा जाता है। सूफियों के धर्म संघ वा सारा इस्लामी सिद्धांतों के समर्थक और वे सारा इस्लामी सिद्धांतों से बंधे नहीं में विभाजित किया गया। भारत में चिश्ती तथा सोहरावर्दी
सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थीं। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आया। इन्होंने यहाँ चिश्ती परंपरा की शुरुआत की। चिश्ती परंपरा का केंद्र रहा है अजमेर था। चिश्ती परंपरा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं थीं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं, याद रखिए। बाबा फरीद दो महत्वपूर्ण शिष्य थे बाबा फरीद के, एक निजामुद्दीन औलिया, दूसरा था अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा, जिसने हजरत निजामुद्दीन औलिया ने इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी। ठीक है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की, किंतु 1262 में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुरख जोश, बुरहान आदि। सुहरावर्दी सिलसिला में ने राज्य को स्वीकार किया था संरक्षण को। ठीक है, शेख अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिले की स्थापना की, इसका मुख्य स्थान था केंद्र बिहार। कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की। भारत में सिलसिला के प्रवर्तक थे मोहम्मद गौस। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग सिया मत के विरोध थे। राजकुमार दारा शाहजहां का श्रेष्ठ पुत्र कादरी सिलसिला के मुल्ला साहेब का शिष्य था। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबेदुल्ला ने की थी। भारत में सिलसिला की स्थापना ख्वाजा वकी बिल्लाह ने की थी। भारत में इसके प्रचार प्रसार का से वकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को जाता था। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार में था। इस सिलसिले को शेख सरफुद्दीन याह्या ने लोकप्रिय बनाया। याह्या ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। चलिए, तो इस सूफी थे। अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन के बारे में। किसे भक्ति आंदोलन? 6 शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्रों से हुई जो कर्नाटक महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नार सैव संतों ने किया। सैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को सैव धर्म स्वीकार करवाया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए, वे भगवान विठोबा की भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वर्करी या तीर्थ यात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंडरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह था पंजाब एवं राजस्थान में हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था। इसकी निर्गुण भक्ति हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी।
भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास, विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदाय दायों का प्रादुर्भाव हुआ, सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूछता था। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे तुलसीदास, नाभाचार नाभादास जैसे राम भक्त, निम्मार्क वल्लभाचार्य, चैतन्य सूरदास और मीराबाई कृष्ण भक्त थे। ठीक, निर्गुण संप्रदाय में के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा चार मतों की स्थापना की गई। इन चार मतों को देख लेते हैं। दक्षिण में वैष्णव वैष्णव संतों द्वारा स्थापित चार मत, श्री संप्रदाय, ये रामानुज चार द्वारा की गई थी इसकी था विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, ब्रह्मा संप्रदाय, माधवाचार्य द्वैतवाद। ठीक, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय, निम्बार्काचार्य द्वैतावाद, द्वैता द्वैतवाद। ठीक है, ये सभी चार मत थे। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग भक्ति आंदोलन, भक्ति संतों के आंदोलन के संत। तो सबसे पहले बात करते हैं रामानुजाचार्य। 11वीं सदी में इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ। 1137 में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव विकास से प्राप्त किया था। फिर आए रामानंद। रामानंद का जन्म 1299 में प्रयाग में हुआ। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा। ठीक, अब बात करते हैं कबीर के बारे में। कबीर, तो कबीर का जन्म हुआ 1425 ईस्वी में। एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था कबीर का जन्म। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहर तारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा नेहरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा। इन्होंने राम रहीम हजरत अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माना। इन्होंने जाति पिता, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि की का घोर विरोध करते हुए एक ईश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। अब बात करते हैं हम लोग गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक का जन्म हुआ 1469 में अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब ननकाना साहेब के नाम से विख्यात है। इनकी माता का नाम था तृप्ता देवी और पिता का नाम था कालूराम। बटाला के मूल राज खत्री की बेटी सुलछड़ी ने उनका विवाह हुआ। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे ओदासीरा कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेहरा मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपनी पुत्री की जगह पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना अंगद की को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया।
इनकी मृत्यु हुई गुरु नानक की 1539 में करतारपुर में। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। अब इनके बाद आते हैं चैतन्य स्वामी। चैतन्य स्वामी, चैतन्य स्वामी का जन्म हुआ 1486 में नदिया बंगाल में कि मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्रा चैतन्य स्वामी के, माता का नाम था सची देवी। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित कहा जाता था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की, साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांतों को अचित भेदाभाव भेदा भेदभाव के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा में चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। अब बात करते हैं श्री भद्वल्लभाचार्य, श्री मध्वल्लभाचार्य वल्लभाचार्य। श्री मध्वल्लभाचार्य का जन्म 1479 में चंपारण वाराणसी में हुआ। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था, मध्वल्लभाचार्य का के पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट, माता का नाम था यल मगरु। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र गोपीनाथ, इनका गोपीनाथ का जन्म हुआ 1511, विठलनाथ इसका हुआ 1516 में। इन्होंने गंगा यमुना के समीप अरेल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इसके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। फिर आए गोस्वामी तुलसीदास, तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ 1554 में। इन्होंने रामचरितमानस की स्थापना की रचना की। रामचरितमानस की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बांदा जिले के राजापुर गांव में 1554 में। फिर धन्ना, धन्ना का जन्म 1415 में हुआ। यह एक जाट परिवार में हुआ। राजपूताना से बनारस आकर रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग रैदास। रैदास जाति से चमार थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रैदास के पिता का नाम रघु, माता का नाम घोर बीनिया था। ये जूता बनाकर जीवोपार्जन करते थे। मीराबाई ने इन्हें अपना गुरु माना। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। अब हैं दादू दयाल, ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1556 में हुआ अहमदाबाद में। इनका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने अपना ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए एक बार फतेहपुर सिकरी बुलाया था। इन्होंने निफक नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। याद रखिए, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर उत्तर परवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ पद बादशाही की स्थापना की, जिसके तहत बादशाह कहा जाता था। चलिए तो बाबर का कार्यकाल देखते हैं। बाबर आया 1526 से 30 तक। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 में हुआ। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। ये फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 में बैठा। बाबर ने 1507 में ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी अब तक। ठीक है, अब बात करते हैं बाबर के 4 पुत्र हुए, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था।
बाबर भारत के विरोध किया गया प्रथमा अभियान था 1519 में यूसुफ जाति जाई जाति के विरोध। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपना अधिकार में कर लिया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाबर में बाबर ने पहली बार तोगलमा युद्ध नीति तोप खाने का प्रयोग किया। उस्ताद अली मुस्तफा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं हम लोग बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में। ठीक, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, तो युद्धों की बात करते हैं। जब बरस देख लेते हैं कब हुए, वो पक्ष देख लेते हैं कौन कौन शामिल रहा, वो परिणाम क्या रहा है वो भी देख लेते हैं। तो पहला है हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध, ये हुआ है 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ है। इसमें बाबर विजयी रहा। फिर है खानवा का युद्ध, तो ये 17 मार्च 1527 को हुआ, राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ। इसमें परिणाम में रहे बाबर विजयी रहा। फिर हुआ चंदेरी का युद्ध, तो ये 29 जनवरी 1528 को हुआ। इसमें शामिल रहे मेदिनी राय और बाबर, और बाबर इसमें भी विजयी हुआ। फिर हुआ घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ, बाबर इसमें भी विजयी रहा। याद रखिए कभी क्रम लगाने के लिए आ जाता है कई बार परीक्षाओं में, तो याद रखिए पहले पानीपत का हुआ 1526 में, 1526 खानवा का हुआ, 1527 चंदेरी का हुआ, 1528 घाघरा का हुआ, 1529। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक, बात करते हैं 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने की थी। बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। कौन सा? मुबैयान पद्य शैली। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबेदौला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुआ हुमायूं। अब बात करते हैं हुमायूं के बारे में, तो हुमायूं का कार्यकाल रहा है 1530 से 1556 तक। नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था। इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा और अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीर दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शां विदेश दिया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपनाह नामक नए नगर की स्थापना की। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां का विजयी हुआ। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण कर ली। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को हुआ, शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। बिलगाम
विलगाम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के अध्यात्म गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्र हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली पर बैठा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम बताएं तो देवरा 1531 में, चौसा 1539, विलग्राम 1540 और सरहिंद का युद्ध 1555। 1 जनवरी 1556 को दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की श्रेणियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की रचना थी हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। अब बात करते हैं हम लोग शेरशाह की। शेरशाह का कालकाल देखें तो इसका 1540 से 1545 5 साल तक रहा। सौर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ। इसके बचपन का नाम फरीद था। याद रखिए शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद। यह सोर वंश से संबंधित था। इसके पिता हसन खान जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही बार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। शेर शाह विलगाम युद्ध 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेर शाह की मृत्यु कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो गई। मृत्यु के बाद वह उक्का नाम का अग्नेयास्त्र चला रहा था, इसी के कारण हो गई थी। कलिंजर का शासक कीरत सिंह था। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। रोहितागढ़ किला एक कोहना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा कराया गया। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह हुआ। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाली सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रदान की। शेरशाह ने 178 ग्रैन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रैन तांबे के दाम चलवाए। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। आगे देखते हैं काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की थी। शेरशाह 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। शेरशाह को ग्रैंड टेक रोड की मरम्मत करवाई शेरशाह ने। ठीक, मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर का कार्यकाल रहा है 1542 से 1605 तक। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राडा वीर मारशाल के महल में हुआ। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर का शिक्षक था अब्दुल लतीफ ईरानी। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर चाद शाही गाजी की उपाधि से राज्य सिंहासन पर बैठा था। अकबर बैरम खान 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। अब बात कर लेते हैं अकबर द्वारा जीते गए प्रमुख विदेशों के बारे में।
ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं विदेश, फिर शासक वर्ष, फिर मुगल सेनापति। मालवा यहाँ का शासक था बाज बहादुर, ये 1561 में हुआ जीता। और मुगल सेनापति था आदम खां और पीर मोहम्मद। फिर आया चुनार, तो अफगान नौ का शासन था यहाँ 1562 में, यहाँ वो किया जीता से अब्दुल्ला खां, मुगल सेनापति था। गौड़बाना वीर नारायण और एवं दुर्गावती थी यहाँ की शासक, 1564 में यहाँ से जीता। और मुगल सेनापति थे आसफ खां, स्वयं अधीनता इसने स्वीकार की। फिर है आमेर, भारमल था यहाँ के शासक 1562 में, स्वयं स्वीकार किया। फिर मेड़ता जयमाल था यहाँ का, 1562 में विजय हुआ यहाँ जीता इसे। सरफुद्दीन मुगल सेनापति था। मेवाड़ उदय सिंह और राणा प्रताप थे यहाँ के शासक, 1568 में स्वयं अकबर ने इन्हें जीता था। और 1576 में मानसिंह एवं आसफ खान ने राणा प्रताप को हराया। फिर रणथंबोर, सूरज नहाड़ा 1569 में वो भगवान दास एवं अकबर के बीच, ठीक है। अब कलिंजर ये रामचंद्रन था यहाँ का शासक, 1569 में इसे विजय जीता। मजनू खां काकसाह मुगल सेनापति थे। मारवाड़ राव चंद्र सेन थे यहाँ के शासक, 1570 में से जीता। स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की थी इन्होंने। अब बात करते हैं जैसलमेर, तो यहाँ का शासक था राहुल रावल हरिराय, 1570 में इसे जीता। इसने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की, ठीक है। फिर हुआ बीकानेर, कल्याणमल था यहाँ का शासक 1570 में, इसने भी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। गुजरात मुजफ्फर खान थर्ड था, 1571 में इसे खाने आजम सम्राट अकबर ने जीता था। बिहार बंगाल, तो यहाँ का शासक था दाऊद खां, 1574 से 76 मुनीम खां खान खाना ने इसे जीता। काबुल हकीम मिर्जा यहाँ का शासक था, 1581 में इसे जीता मानसिंह एवं अकबर ने। कश्मीर यूसुफ यकूब खां 1540 में इसे जीता भगवान दास एवं कासिम खान ने। उड़ीसा निसार खां था यहाँ का शासक, 1592 में मानसिंह ने इसे जीता। सिंध जानी बेर था यहाँ का शासक, 1593 में अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे जीता। बलूचिस्तान पन्नी अफगान 1595 में मीर मासूम ने इसे जीता। कंधार मुजफ्फर हुसैन 1595 में शाह बेग ने इसे जीता। अब दक्षिण भारत के देख लेते हैं राज्यों को, तो दक्षिण भारत की बात करें तो खानदेश अली खां था यहाँ का शासक, 1591 में इसने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। दौलताबाद चांद बीवी थी यहाँ की शासक का, 1599 में मुराद अब्दुल रहीम खान खाना अब्दुल फजल अकबर ने इसे जीता। अहमदनगर बहादुर शाह चांद बीवी था यहाँ का शासक, 1600 में इसे जीता। असीरगढ़ मीर बहादुर था यहाँ का शासक, 1601 में अकबर, यह अकबर का अंतिम अभियान था, ठीक है, असीरगढ़ पर। अब बात करते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई 15 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई। तो याद रखिए पानीपत की द्वितीय लड़ाई किस किस के बीच हुई, 1556 में हुई पहले, तो याद रखिए। फिर अकबर और हेमू के बीच हुई, ठीक है। मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल को अपने को पूर्णता मुक्त कर दिया, हरम दल से अपने को पूर्णता मुक्त कर दिया। हल्दी घाटी का युद्ध की बात करें तो 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ।
इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह एवं आसफ खान ने किया। अकबर का सेनापति था मानसिंह, ठीक है। महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 को हो गई। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक था बीरबल। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। राजस्व प्राप्ति की जप्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान थे राजा टोडर मल ने 1580 में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था तानसेन। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे अब्दुस समद। दसवंत और वसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक थे तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बीजू बाबरे। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी प्रथा। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 में हो गई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। तो ये कार्य हैं और उपवर्ष जब हुए हैं 10 पिता का अंत, तो याद रखिए 1562 में अकबर को हरमदल से मुक्ति 1562 में, तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त 1563, जजिया कर समाप्त 1564, फतेहपुर सिकरी की स्थापना एवं राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरण 1571, इबादत खाने की स्थापना 1575, इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों की प्रवेश की अनुमति 1578 में। याद रखिए इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति कब हुई 1578। मजहर की घोषणा 1579, दीन इलाही की स्थापना 1582, इलाही संबद की शुरुआत 1583, राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585। आगे देखते हैं स्थापत्य के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ थीं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शाही महल, दीवाने खास पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये सभी अकबर ने बनवाए। अकबर के दरबार को शोभित करने वाले 9 रत्न इस प्रकार थे: बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खानखाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, ये 9 रत्न थे। अब बात करते हैं आगे। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। याद रखिए बीरबल के बचपन का नाम क्या था, महेश दास। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियाँ थीं मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्लहार, मियाँ का सारंग। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी, ठीक है। आगे देखते हैं यूसुफ जाइयों के विरोध को विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी।
1602 में सलीम, जहांगीर को सलीम भी बोला जाता है, सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी, शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया व महाभारत का नाम रजमनामा योद्धों की पुस्तक रखा। पंचतंत्र की फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सदात नाम से, मौलाना हुसैन फेज ने यार ए दानिश नाम से, हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्व वेद का, मुल्ला साय मोहम्मद ने राजतरंगनी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजो के बाबरी का तथा फेजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फेजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा लिखित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नर्स हरि को महापात की उपाधि प्रदान की थी। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष में कराया था। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? याद रखिए फारसी। याद रखिए मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब जहांगीर को देखते हैं। तो जहांगीर का कार्यकाल रहा है 1605 से 1627 तक। ठीक है, अकबर का उत्तराधिकारी सलीम जहांगीर, याद रखिए जहांगीर का एक नाम सलीम भी है, जो 24 अक्टूबर 1605 को ईस्वी को नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीरी वालशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरे के किले के साहेब बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुझके जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मौत बिंद खां को है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरोध विद्रोह कर दिया। जहांगीर खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जलंधर के निकट भैरावल नामक स्थान पर हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोविंद वाल में मिला था। ठीक, याद रखिए जहांगीर ने किसे फांसी दिलाई थी? सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। शाहजहां को खुर्रम भी बोला जाता है। ठीक है, 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1605 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा ने अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्यौहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा।
और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उसके साथ विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल या नूर जहां की उपाधि प्रदान की। नूर जहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। ठीक, जहांगीर ने ग्यास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उद्दौला की उपाधि दी। लाडली बेगम शेर अफगान मेहरून निशा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहर यार के साथ हुई। नूर जहां की माँ असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। नूर जहां की माँ असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर नूर जहां और उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के पांच पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। ठीक, 28 अक्टूबर और 1627 ईस्वी में भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे सहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, याद रखिए। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा राजा अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, मनोहर एवं गोवर्धन और फारूक बेग और दौलत। ठीक, जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रणशाला की स्थापना की थी। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस नादिर जुमा की उपाधि प्रदान की। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, कोई भी चित्र चाहे वह किसी मित्र व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आप किसी एक चित्रकार ने की वह किसी और ने बनाई तो भी यह जान लेता हूँ कि आप किसने और वह किसने बनाई। ठीक, आगे देखते हैं। जहांगीर के समय को चित्रकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। इत्माद उद्दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूर जहां बेगम ने बनवाया था। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत थी जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित हुई थी। तो याद रखिए, इत्माद उद्दौला का मकबरा 1626 में नूर जहां बेगम ने बनवाया था। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्त दौरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। अशोक के कौशंबी स्तंभ लेख वर्तमान में प्रयाग पर, समुद्र की गुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है इस पर। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूर जहां ने करवाया। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फ्रेंच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। तो याद रखिए, जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फ्रेंच, एडवर्ड टेरी आए थे, यूरोपीय यात्री थे। अब बात करते हैं हम लोग शाहजहाँ। शाहजहाँ तो इसका टाइम काल है 1627 से 1657। इसका कार्यकाल कब तक है? 1627 से 1657 तक। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहाँ बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 में खुर्रम शाहजहाँ का जन्म लाहौर में हुआ। 1612 में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहाँ ने मल्लिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 में पेशाब पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628
ईस्वी को शाहजहाँ आगरे में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहेब किरण एसानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। आसफ खान ने शाहजहाँ ने आसफ खां को वजीर पद पर महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहाँ को 2 लाख रुपये वित्तीय वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहाँ 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण आगरे में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। याद रखिए, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, इसका मुख्य कलाकार था बेबादल खां। ठीक है, आगे बात करते हैं। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई इमारतें थीं दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद, ताजमहल। ये सभी शाहजहाँ ने बनवाए थे। शाहजहाँ ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहाँनाबाद की नींव डाली। आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने करवाया। शाहजहाँ के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे मोहम्मद फकीर और मीर हासिम। शाहजहाँ ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि दी। शाहजहाँ के पुत्र दारा सिखो सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवद गीता, योगोविष्ट उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद कराया। दारा सिखो कादिरी सिलसिले के मुल्ला साहेब बदख्शी का शिष्य था। शाहजहाँ ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण कराया, दारुल यका नामक कॉलेज की मरम्मत भी कराई। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहाँ के गंभीर रूप से बीमार पड़ने, मृत्यु का अपवाद फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय सूजा बंगाल, मुराद गुजरात, औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मठ का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। सामू गढ़ का युद्ध, ये हुआ 29 मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध हुआ देवराय की घाटी में 1659 ईस्वी में। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या कर दी। साहेब बुलंद इकबाल के रूप में दारा से को जाना जाता है। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया। आगरे के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष 22 मई 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। अब आता है औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में बात करें तो औरंगजेब 1658 से 1707 तक रहा। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहाँ के पास बीता। 18 मई 1837 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्य अभिषेक अबुल मुजफ्फर मोहद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया। देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद
15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया। शाहजहाँ के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक कराया। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि, जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को संपन्न हुई। मई 1666 को आगरे के किले के दीवान आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। ठीक है, इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवा दी। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया। औरंगजेब ने बीवी का मकबरा निर्माण 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया था। ठीक है, 1686 में बीजापुर, 1657 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया। 1670 की तिलपत की लड़ाई, कौन सी तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए, गोकुल की को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 में राजाराम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजाराम के भतीजा चूरामन ने डाली। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब के का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसके सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरों का दर्शन, तुलादान कर प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रथा में सम्राट को उनके जन्मदिन पर सोने चांदी अन्य वस्तुओं में तोलने की प्रथा थी तुलादान की। यह अकबर के ज़माने में प्रारंभ हुआ था तुलादान। इन सभी पर औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी। सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया। भारतीय संगीत शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1717 को हुई। इसे खुल्दाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सोगों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब काफिरों का देश को दाउल इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, याद रखिए। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग मुगल शासन व्यवस्था। तो मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता है, बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालन करने वाले सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे वकील, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद मीर समन में विभाजित कर दिया था। औरंगजेब
के समय असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। मीर बख्शी द्वारा सरकत नाम के पद पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सद न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब से काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि का निरीक्षण सद्र करता था। मदद इमास सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समान कहलाता था। ठीक, अब मुगल काल के प्रमुख अधिकारी व उनके कार्य देख लेते हैं। तो ये पद हैं और ये कार्य हैं। सूबेदार प्रांतों में शांति स्थापित करना, प्रांतों में कार्यकारिणी का प्रधान होता था। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान, सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदार। बख्शी ये प्रांतीय सैन्य प्रधान था। फौजदार जिले का प्रधान फौजी अधिकारी था। आमिल या अमल गुजार तो ये जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी था। कोतवाल नगर प्रधान था ये। सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी था। आमिल ये था ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाने एवं लगान निर्धारित करना इसका काम था। अब बात करते हैं हम लोग सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था दरोगा, ये डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रति कूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरिता से बचाने का कार्य मोहत सिंह नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महल में, महल में, महल का जिला में या दस्तूर में और दस्तूर का ग्राम में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, जिसे मावदा या दी कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नांगला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई स्थापित की गई थी। अब बात करते हैं भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य के समस्त भूमि तीन भागों में विभाजित थी। एक थी खालसा भूमि, तो खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में थी। फिर थी जागीर भूमि, तो ये तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि थी। सयूरगल या मदद इमास ये अनुदान में दी गई लगान भूमि थी, इसे मिल भी कहा जाता था। शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई गई जाने वाली पद्धति थी राई, का उपयोग अकबर ने भी किया। ठीक है, अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 में की गई। इसे अपने क्षेत्र में एक करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 में अकबर ने दहसाला नाम की एक कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को चार भागों में विभाजित किया गया था। बात करते हैं ओलज, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी, वर्ष में दो बार। ठीक है, फिर है प्रति, इस भूमि पर एक या दो वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। चाचर, इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। बंजर, यह खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। ठीक, पोलज, प्रति, चाचर, बंजर। फिर बात करते हैं आगे, देखते हैं 1570 से 1771 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जप्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की दो श्रेणियाँ थीं, एक तो तकसीस, दूसरी थी तहसील। ठीक है, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल के कृषक तीन वर्गों में विभाजित थे। खुद कास्त, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहाँ के वे निवासी थे। फाही कास्त, ये दूसरे गांव जाकर कृषि करते थे। मोजारियन, ये खुद कास्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि करते थे। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय हुई। आना सिक्का का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना नूर एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। किसने? जहांगीर ने। सबसे बड़ा सिक्का सनसाओ सब सोना का था। स्वर्ण का सबसे विचलित सिक्का इलाही था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी थी, का रुपया था। दैनिक लेनदेन के लिए तांबे के दाम का उपयोग होता था।
1 रुपया में 40 दाम होते थे। मुगल सेना के बात करें तो मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना सेना और हाथी सेना। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी, इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। आगे देखते हैं, 10 से 500 तक मनसबदार प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा और 2500 से अधिक से ऊपर मनसब प्राप्त करने वालों को अमीर ए आजम कहलाते थे। जाति से व्यक्ति के वेतन प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था, सवार पद से घोड़ सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता है। जहांगीर ने सवार पद में 2 अश्वा सिंह अश्वा की व्यवस्था की, सर्वप्रथम यह पद महावत खां को दिया गया। याद रखिए, जहांगीर ने सवार पद में 2 अश्वा सिंह अश्वा की व्यवस्था की थी। मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाओं की बात करें तो गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नसक, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था, यह व्यवस्था बंगाल में थी। जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चित किया जाता था, जो नगद दिया जाता था। अब बात करते हैं मराठों का उत्कर्ष, ठीक है, मुगल को देख चुके हैं, मुगल काल को। अब बात करते हैं हम लोग मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे, शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में शिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप हुआ। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले, उनकी माता का नाम था जीजाबाई। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम था तुकाबाई मोहिते। शिवाजी के गुरु थे कोंडदेव। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास की का काफ़ी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्मालकर से 1640 में हुआ, ठीक। शाहजी ने शिवाजी को पुनः पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी के लिए अधिकार किया। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1665 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी सूरत को 1664 ईस्वी में एवं 1679 में लूटा। पुरंदर की संधि की बात करें तो 1665 में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई थी। याद रखिए, पुरंदर की संधि कब हुई, 1665 में, किस किस के बीच हुई, जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पनहाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। यही बात कर लेते हैं हम लोग, महाराष्ट्र के प्रमुख संतों को भी देख लेते हैं, ठीक है। ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, ये 1271 से 1296 में महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे, ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बेहद टीका लिखी इन्होंने, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं नामदेव, ये 1270 से 1350, जिनके आराध्य देव पांडरपुर के विठोबा एवं विट्ठल विष्णु के रूप में, विठोबा या विट्ठल की उपासना को वर्करी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। फिर बात करते हैं एकनाथ, तो ये 1533 से 1599, इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा। फिर आए तुकाराम, ये 1558 से 1650, इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी, जिन्हें अभंग कहा गया जाता है। ये अभंग भक्ति परक काव्य के ज्योतिपुंज थे।
फिर आए रामदास, महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि थे रामदास। दस बोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है, किसकी? रामदास की। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। पांच जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी काशी के पिता प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्य अभिषेक कराया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 को भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। ठीक, आगे बात करते हैं। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता है। अष्ट प्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्मान का होता था। अष्ट प्रधान की बात करते हैं। पेशवा प्रधानमंत्री राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। फिर है सरी ए नौवर, ये सेनापति था, सैन्य प्रधान। अमात राजस्व मंत्री, आय व्यय का लेखा जोखा करता था। वाक यान बीस, ये सूचना एवं गुप्तचर संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष था। चिटनेस, ये राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखता था। सोमंत सेन विदेशी मंत्री था। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान था। ठीक है, शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। बागा सेना, नियमित घोड़सवार सैनिक थे। सिलहदार, ये अस्थायी घोड़सवार थे। पैदल, ये पैदल सेना थी। ठीक, शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को प्रारंभ किया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33 भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40 हो गया था। ठीक, शिवाजी ने किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारियों की बात कर लें तो हवलदार, ये था किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था। सरे नौबत, एक किले की सेना का नेतृत्व करता था। सबनिस, एक किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार और भंडार की देखरेख करता था। आगे बात करते हैं। चौथ एवं सरदेश मुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा लगाए गए। चौथ, याद रखिए, चौथ था जो किसी एक क्षेत्र को बर्बाद ना करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा जाता था। और सरदेश मुखी, इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। अब बात करते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में। शिवाजी के उत्तराधिकारी हुआ संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 को मुगल सेनापति मखर रब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 1700 ईस्वी में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहूजी, जो औरंगजेब के कब्जे में थे, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आ गए। शाहू और ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजयी हुआ। तो याद रखिए, खेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1707 ईस्वी में, साहू जी और ताराबाई के बीच, इसमें साहू जी विजयी हुए। साहू ने
22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पर पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इसकी मृत्यु 1720 में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। ठीक है, पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करके ते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो शरम गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चय रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। अब बात करते हैं पाल खेड़ा का युद्ध। ये हुआ है 7 मार्च 1728 में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंशी शिवगांव की संधि हुई। मुंशी शिवगांव की संधि किसके साथ हुई? निजाम के। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था बाजीराव प्रथम, जिसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोल दिया। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा है बाजीराव प्रथम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ अंग्रेजों व मराठों के संघर्ष के अंतर्गत होने वाली संधियों की। सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1789, सालाबाई की संधि 1782, बसीन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803, सूरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, राजापुर घाट की संधि 1804, नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि नागपुर की 1816, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817, मंदसौर की संधि 1818। तो याद रखिए, सूरत की हुई 75 में, 1775 में सूरत की संधि, पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779, सालाबाई की संधि 1782, वसीन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803, सूरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, राजापुर की घाट की संधि 1804, नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817, मंदसौर की संधि मंदसौर 1818। अब देखते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बने। 1750 में संगोला संधि, संगोला की संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। याद रखिए, झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ। इसमें मराठों का हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हो गई। माधव नारायण प्रथम 1761 में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाए। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भागी बन गया। पेशवा नारायण राव
की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। पेशवा माधव राव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख वारह भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के दो महत्वपूर्ण सदस्य थे महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। अंतिम पेशवा राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का रहा, किसका? बाजीराव द्वितीय का। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1750 से 82 तक चला। इसके बाद 1776 में पुरंदर की संधि हुई, इसके तहत कंपनी रघुनाथ राव के समर्थन को वापस लिया। तो याद रखिए आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम कब हुआ? 75 से 82 तक, 1775 से 1782। इसके बाद पुरंदर की संधि हुई थी फर्स्ट युद्ध के बाद। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, इसमें भोसले नागपुर में अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 दिसंबर 1803, याद रखिए 1803 को देवगांव की संधि हुई। तो प्रथम युद्ध के बाद कौन सी हुई थी? पुरंदर की संधि 1776 में, और 1803 में हुई देवगांव की संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816-18 में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा की वंशावत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 में इसकी मृत्यु हुई। 1853 में, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा मध्यकालीन भारत, ठीक है। अगले लेक्चर में बात करेंगे हम लोग आधुनिक भारत के बारे में, ठीक है।